अगर मैंने आज एक वीडियो देखी है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मैंने देखा बसेस इलेक्ट्रिक साइकिल्स उन्होंने पब्लिक के लिए बनाई है, आप जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाकर वो रख सकता है, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ने वहाँ पर लगा के दी इलेक्ट्रिक साइकिल्स। उसके बाद सिनेमा, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, MR कंपनी एक बहुत बड़ा मॉल बना रही है जो एशिया का सबसे बड़ा मॉल होगा। क्या कहना चाहोगे कि वहाँ पर प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, कश्मीरियों को हमने क्या दिया अपने कश्मीर को? जी, सबसे पहले तो मैं आपका ये सवाल अप्रिशिएट करना चाहूँगा, आपने एक बहुत बड़ा अच्छा सवाल रेज किया है। अच्छा, कश्मीर पाकिस्तान बनेगा? इंशाल्लाह बनेगा। अच्छा, कैसे बनेगा? जो कोई हुक्मरान इस तरह का आएगा अल्लाह ताला भेजेगा। अच्छा, तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन बन जाएगा। जो पॉलिटिशियंस हमारे पास हैं इनको अल्लाह ने नहीं भेजा? भेजा तो है ना, मगर आप बात कर सकते हैं? एक मिनट इनसे भी बात करें यार, एक मिनट अंकल, बड़ा मजा आएगा। कैसे एक एक मिनट दे दो, आपकी नॉलेज में इजाफा होना है, आपकी नॉलेज में। सुने, आप पाकिस्तान के अक्सरियत नौजवान गैर मुल्क क्यों जा रहे हैं, मुझे ये बताएं। हां जी, यहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर कश्मीर वाले हमारे साथ क्यों आएंगे? कुछ भी नहीं है। और मैं ये तो बता रहा हूँ, हुक्मरान अगर सही होंगे, उनको को इन्वेस्टमेंट देंगे, उनपे उनको पैसा देंगे तो वो होंगे ना। वो तो भाईजान बाद की बात है ना, वो तो बाद की बात है। एक्चुअली ये आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा वो कि आपकी वीक पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है कि आपने कितनी वीक पॉलिसी मेकिंग की है कश्मीर के हवाले से, आपने उनको उनके उनको कॉन्फिडेंस के लेने के हवाले से आपने क्या पॉलिसी मेकिंग की है। तो यही एक बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है पॉलिसी मेकिंग के हवाले से। अब इकोनॉमिकल वार है सर, मईशियत मईशियत ही बात। एक देखा था ना, वजीर आजम थे वो, उधर एक बच्चे ने सवाल पूछ रहा है, उसको एजेंसी कितनी पीछे लग रही थी। नहीं नहीं, एजेंसी से आप डर गए, अभी तो आप कह रहे थे कि हम इन्हें इसराइल पता करना, कश्मीर लेना, अभी आप एजेंसी से? कश्मीर तो नहीं, कश्मीर तो लेना है, एजेंसी से डर गए आप खुल के। हमने अपने कश्मीर को क्या दिया है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे के अलावा क्या कहेंगे? नहीं बनेगा कश्मीर, जागता हमारे ये जिस तरह के हुक्मरान है ये कश्मीर की मदद नहीं करेंगे तो किस तरह बनेगा? पता होगा तो क्या कश्मीर अब इन सब सिचुएशन के अंदर क्या वो आना चाहेंगे हमारे पास? नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, वो कह रहे वो नहीं आएंगे। नहीं, आप मीडिया वाले आपको सारा दिन देखते हैं। अच्छा, कश्मीर पाकिस्तान बनेगा? इंशाल्लाह बनेगा। अच्छा, कैसे बनेगा? जो कोई हुक्मरान इस तरह का आएगा अल्लाह ताला भेजेगा। अच्छा, तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन बन जाएगा। अभी 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 जो अभी जो पॉलिटिशियंस हमारे पास हैं इनको अल्लाह ने नहीं भेजा? भेजा तो है ना, मगर जो जो लड़कियां इधर से पढ़ती हैं, जो नेशनल कॉलेज है इधर यूनिवर्सिटी की लड़कियां सिगरेट पी रही होती हैं, पी रही होती हैं, तो इन्होंने क्या मॉडर्न हो गया, मॉडर्न लड़का पीता तो लड़की भी पीती है। लड़कियां मैंने अक्सर देखता हूँ, मैं आता जाता हूँ, मुझे 17 साल हो गए ऐसे नारकली में रहते हुए। अफगानिस्तान आज़ाद हुआ ना, हम पैदा भी नहीं हुए थे, अफगानिस्तान का मसला अब आज़ाद हो गया ना इंशाल्लाह अल्लाह ताला। अफगानिस्तान किसके कब्जे में था? अफगानिस्तान तो रूस और मुजाहिदीन के कब्जे में था, वो आपस में कितने सालों से, मैं जब ने होश संभाला है उस वक्त इनकी जंग चल रही है, जंग चल रही थी ना, कब्जा तो नहीं ना किया, मगर आज तो वो अपना अलहदा मुल्क बन गया है ना, अफगानिस्तान मुल्क है ना, एक दिन इंशाल्लाह कश्मीर भी बनेगा। कश्मीर ने तो कश्मीर में तो 370 का आर्टिकल हटाने के बाद वो तो इंडिया का पार्ट बन गया। नहीं यार, एक दिन कोई ना कोई हुक्मरान तो आएगा ना, वो इसको खत्म कर देगा, अगर उन्होंने खत्म कर तो वो भी कर सकता है, जिस तरह आप सियासतदान है नवाज शरीफ पे कितने केस थे, अब खत्म हो गया ना। कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ी है? नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। आपको जो उनका जो कश्मीर का जो मालिक था उसका पता कौन था? नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए ना, जिसने कश्मीर को लिखकर इंडिया के हवाले किया था। नहीं पढ़ा, ये तो वो कहते हैं जब पाकिस्तान बना था ना उस वक्त बरतानिया हुक्मरान महाराजा हरि सिंह, हाँ, तो उसने ये मसला दरमियान लटका दिया था और इसका उसने फैसला नहीं किया, जो आज तक फैसला नहीं हो सका। आज कश्मीर के कश्मीर को इंडिया ने डेवलप कर दिया, पैसा लगा रहा वहाँ पे, हम क्या लगा रहे? तो पाकिस्तान को लगाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान के अगर वहाँ हमारे कश्मीर में धरने हो रहे हैं, कश्मीरी कह रहे हैं कि भाई हमें हमारा हकूक दो, लेकिन इंडिया ने तो डेवलपमेंट कर दी है वहाँ पर, क्या एग्री कर रहे हैं इससे? कश्मीर हमारा ज़्यादा तरक्की याफ्ता या इंडिया का? नहीं जी, कश्मीर हमारा होना चाहिए आज़ाद। अपनी बातों से जाए, ये अपनी सियासत से जाए ना, या आप देख लो फलस्तीन का क्या हाल हुआ है, ये अपनी सियासत में लगे हुए हैं, चाहे कोई भी क्या कर सकते हैं फलस्तीन के लिए? फलस्तीन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते अपनी? ये तो कहता कश्मीर मेरा पार्ट है, मैं तो दूंगा ही नहीं। नहीं अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। कैसे लेंगे, चार जंगे लड़ी, नुकसान आज कौन उठा रहा है? भाई वो नुकसान है तो इनकी नाअली की वजह से है, फौज तो लड़ी है ना, अगर फौज को सपोर्ट करते रहते तो वो लड़ती रहती। अच्छा। यार कौन सी चीज़ है जो तस्वीर नहीं हो सकती? पैसे हैं किधर हैं? ये एक हुक्मरान के अकाउंट देख लो, बाहर देख लो, जो पैसे कहाँ से आ गए? तो उनके है ना, मुल्क के पास पैसे नहीं, अकाउंट में तो खाली। यार यार इनसे वापस लें, इनसे वापस, इनके पास कितने पैसे आ गए? वापस देंगे आपको पैसे? लेने वाले ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? अभी तक तो कोई लेने वाला। काउंसलर की सीट पे होता है, उसकी दो कनाल जमीन होती है, अब वो पंपों के मालिक हो गए, जगह जगह उनके प्लाट हो गए, कोठियां हो गई हैं, वो कहाँ से आ गई हैं?
वो एक छोटी सी सड़क का ठेका आता है, वो ठेकेदार से सड़क नहीं बनाते, वो 2-3 करोड़ रुपए का सड़क नहीं बनती, वो अपनी चीज़ें खरीद के बन जाती है। क्या इंडिया के साथ तजारत करनी चाहिए? किस चीज़? तजारत होनी, तजारत से कारोबार है। तो जब तक कश्मीर का मसला हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये नहीं कहेंगे जब तक बैठ के बातचीत करो तब तक कैसे हल होगा तजारत कैसे? इनकी बातें, तजारत हर मुल्क से होनी चाहिए, सिर्फ इसराइल के अलावा और किसी मुल्क जैसे जिसको हमने तस्लीम भी नहीं किया। इसराइल एक और 97 मुल्क एक तरफ है, वो एक तरफ भारी हुआ पड़ा भाई, ये पैसे की वजह से ना? पैसे की वजह से नहीं, अगर पाकिस्तान के जितने इस्लामी मुल्क अगर इकट्ठे हो जाते तो क्या कर लेता? इकट्ठे तो नहीं हो रही, कोरिया है ना, उसने अमेरिका पे, हम अमेरिका ने उसको धमकी दी थी ना, उसने मिसाइल खड़े कर दिए थे ना, एटमी मिसाइल कर, उसका क्या कर लिया? यही अमेरिका था ना दुनिया का सुपर पावर तक, उसका आज का कुछ बिगाड़ सका है? ये पाकिस्तान अगर दूसरा इस्लामी मुल्क उसके साथ सीधे हो जाए तो ये कुछ एक बाल बांका भी मुसलमान का नहीं कर सकते, पूरी दुनिया नहीं कर सकती। तो बाका क्यों करवाना, हम प्यार मोहब्बत से डील नहीं कर सकते? डील भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? बात ही जंग की यार, जब ये सोल्यूशन ही इस तरह आ जाता है, एक आदमी यानी कि प्यार से नहीं मानता तो उसको जबरदस्ती या लातों से मनवाना पड़ता है। प्यार से लो नहीं तो थप्पड़ मार के, थप्पड़ मार के ले, आप हक तो लेना है ना। अच्छा। हक तो लेना है, जिस तरह ही सर हमारे पास थप्पड़ मारने के लिए वसाइल हैं। हाँ, क्यों नहीं है? किधर है वसाइल? फिर मैं वहीं पे आ गया। नहीं, आपकी आर्मी इतनी तेज है, दुनिया मानती है, असला इतना है, ये सारा कुछ अरबों खरबों रुपये लगता है। असले की गेम नहीं रही, अब असले की गेम रही नहीं है, अब इकोनॉमिकल पावर है, आप सियासी बातें मैं गरीब नहीं, 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 नहीं। अब इकोनॉमिकल वार है सर, मईशत ही पावर। एक देखा था ना वजीर आजम थे, वो उधर एक बच्चे ने सवाल पूछ रहे, उसको एजेंसी कितनी पीछे लग रही थी। नहीं नहीं, एजेंसी से आप डर गए, अभी तो आप कह रहे थे कि हम इन्हें इसराइल फतह करना, कश्मीर लेना, अभी आप एजेंसी से? कश्मीर तो नहीं, कश्मीर तो लेना है, एजेंसी से डर के आप खुल के बात करें ना। कश्मीर हमारा है, हमने लेना है, एक ना एक दिन कोई ना कोई आएगा आदमी, कोई ना कोई। वही तो पूछ रहा हूँ, लेने का कोई तरीका बताओ ना भाई। ये इतना नॉलेज मेरे पास नहीं है, तो मसला तो यही है, आप कह रहे हो कश्मीर लेना, नॉलेज भी आपके पास नहीं है। नॉलेज रखना जरूरी है, और विदाउट नॉलेज आप कैसे बात करोगे आगे जाके? फॉर एग्जांपल के आपको लीडर बना देते हैं कश्मीर का, अब आपको आपको कहते हैं, मैं बन ही नहीं सकता, क्यों? मजदूर आदमी सुबह से काम पे गया। मैं कह रहा हूँ आप अपने ऊपर यकीन ही हमें नहीं है, हमें ऊपर यकीन होना चाहिए ना, आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए, थोड़ा रिसर्च करनी चाहिए। कसम खुदा की इस मुल्क का ना एक ही तरह से हालात बदल सकते हैं अगर हम पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, कश्मीर के बारे में पढ़ें। एक बात और आपको बताऊं, कभी आपने 3-4 बजे इधर चक्कर लगाया? रात को नहीं, दिन को लगाया। यहाँ आपको देखा है जो लड़कियाँ इधर से पढ़ती हैं, जो नेशनल कॉलेज है इधर, यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ सिगरेट पी रही होती हैं, पी रही होती हैं, तो इन्होंने तो क्या माना, मॉडर्न हो गया, मॉडर्न लड़का पीता तो लड़की भी पीती है। लड़कियां मैंने अक्सर देखता हूँ, मैं आता जाता हूँ, मुझे 17 साल हो गए ऐसे नारकली में रहते हुए। अच्छा। ठीक है ना, जिन लड़कियां लड़कों ने ये काम करना है, उन्होंने मुल्क किस तरह फतह करने है, पढ़ाई का उनका क्या फायदा है? ये तो दुनिया का रिवाज चलता आ रहा है, एक तरफ अच्छाई है दूसरी तरफ बुराई है, अच्छाई भी तो चल रही है, उसको भी तो ताकतवर होना चाहिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम तालीमी निज़ाम अच्छा नहीं, नहीं, जो सारा दिन वारा फिरते हैं, पढ़ना क्या है? यूनिवर्सिटी में कितने लड़के आते हैं मैं देखता हूँ, एक नौजवान लड़का आया अभी तालीमी निज़ाम के बारे में, एक आप एक मिनट चाहिए आपका। सर ये कह रहे हैं कि भाई कश्मीर जो है ना, कश्मीर हमारा है मौजूदा टाइम के अंदर, जो कारी सिचुएशन कश्मीर के अंदर चल रही है। मैंने इन्हें बताया कि आज मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर इंडिया ने कश्मीर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक बस बनाई हुई है, इलेक्ट्रिक साइकिल्स बनाई हुई हैं, अच्छा दुनिया की सबसे बड़ी ब्रिज वहाँ पर बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने अपना बजट पास किया, 14 बिलियन जो डॉलर से वो बजट पेश किया। तो क्या इन सारी सिचुएशन के अंदर जो कश्मीर हमारे साइड कश्मीर है वहाँ पर धरने हो रहे हैं कि भाई आटा चीनी सस्ती करो, वो इतने मसाइल दे रहे हैं, मैंने अंकल से पूछा क्या वो सारी चीज़ें छोड़कर हमारे पास आना पसंद करेंगे इन सिचुएशन के अंदर जो मौजूदा क्रिटिकल मुल्क के हालात चल रहे हैं? तो अंकल कहते हैं कि भाई कश्मीर हमारा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो क्या इसमें कोई लॉजिक नज़र आ रही है आपको? नहीं। तो लॉजिक क्या, थोड़ा लॉजिक दे अंकल को भाई, हुक्मरान सही होंगे था, थोड़ी लॉजिक दे अंकल को, बेहतर बताओगे क्या कश्मीर अब इन सब सिचुएशन के अंदर, क्या वो आना चाहेंगे हमारे पास? नहीं आएंगे, वो कह रहे हैं वो नहीं आएंगे। नहीं, आप मीडिया वाले आपको सारा दिन देखते हैं, जगह जगह फिरते हैं, हर बंदे का इंटरव्यू, आपको भी पता है कि हमारे हुक्मरान किस तरह गया है। तो मसला सारा ये है कि आपको थोड़ा ना, मेरे अंकल मेरी बात सुने, आपको थोड़ा सा ना कश्मीर के बारे में, पूरी पाकिस्तान के बारे में पढ़ने की जरूरत है। क्या पढ़ना आपने, मैं आपको बताता चलूँ, हमारी इकोनॉमी, हमारी मईशत, उनकी मईशत, अफगानिस्तान की मईशत, बांग्लादेश की मईशत, आप इन चीज़ों पर गौर करेंगे, आप बात कर सकते हैं?
एक मिनट इनसे भी बात करें यार, एक मिनट अंकल बड़ा मजा आएगा, कैसे एक एक मिनट दे दो, आपकी नॉलेज में इजाफा होना है, आपकी नॉलेज में पास होने। आप पाकिस्तान के अक्सरियत नौजवान गैर मुल्क क्यों जा रहे हैं, मुझे ये बताएं अपने। यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर कश्मीर वाले हमारे साथ क्यों आएंगे, कुछ भी नहीं है। और मैं ये तो बता रहा हूँ, हुक्मरान अगर सही होंगे, उनको को इन्वेस्टमेंट देंगे, उनपे उनको पैसा देंगे तो वो होंगे ना। वो तो भाई जान बाद की बात है ना, वो तो बाद की बात है, जो मौजूदा होंगे ना वो तो उनके साथ चलेंगे ना। इन्हें बताएं कि जो बजट हम दे रहे हैं, जो ह्यूमन वायलेशन हमारे यहाँ पर हो रही, जो उनको आटा नहीं मिल रहा, जो उनको रोटी, यहाँ पर हम सच नहीं बताते। आटा कहाँ जाता है, कहाँ जाता है ये, चीनी कहाँ गई थी, ये देखिए ना अभी आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अंकल आप पढ़ेंगे थोड़ा सा, आपको पता चल जाएगा। चलो मैं इंशाल्लाह फारिग होकर पढ़ूंगा। आप थोड़ा सा यूट्यूब खोल लें, यूट्यूब खोल के सर्च करें कि कश्मीर, हमारे साइड कश्मीर में क्या हो रहा और उनके साइड कश्मीर में क्या हो रहा, हमारे साइड पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या चल रहा, उनके साइड क्या चल रहा, उनकी कहाँ पर चले गए, उनके उनके लीडर की कितनी इज्जत है। आपको पता है नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया झुक कर सलाम करती है, उनके टाट पे पाँव पर पकड़ती, क्यों पकड़ती पता है, आप इस बात को मानते हैं? उनके पैसा ज्यादा है ना, मान गया। उन्होंने रिसेंटली एलन मस्क से मुलाकात किया है, स्टूडेंट पता है, तो आपको भी स्टूडेंट है, मैं स्टूडेंट तो नहीं हूं ना, आप मेरे बड़े हैं, आप मेरे बड़े हैं। इंडिया और पाकिस्तान में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है, आपको थोड़ा रिसर्च करने की जरूरत है, थोड़ा सा पढ़ेंगे कसम से ठीक हो जाएगा। आप अपने छोटे बच्चे मिलेंगे, उनको बताएंगे, ठीक है? बड़ा अच्छा लगा अंकल, बड़ा अच्छा, कोई बात बुरी लगी हो तो माजरा, ठीक है ना, चलें, बहुत अच्छा लगा भाईजान आपसे बात करके। एक मिनट आओ, आप भी एक मिनट दे दो मुझे। कैसे देखते हो कि मुल्क के ये हालात जो चल रहे हैं हमारे, ये कैसे बेहतर हो सकते हैं, सामने कैमरे की तरफ देखना आपने, सामने सामने जो हालात मतलब खराब है ना, तो हमें चाहिए हमारी हुकूमत को चाहिए कि अच्छे काम करे, अच्छे मतलब वो काम करे जो हुकूमत बेहतर मतलब मुनासिब वो कर सके, तो ये कुछ अच्छे हुक्मरान आने चाहिए हमारी हुकूमत में जो मुल्क को सीधे रास्ते पे ला सकें। बिल्कुल सही होगा। कैसे थे स्टूडेंट, क्या पढ़ रहे हो? वैसे मैं तो फार्मेसी टेक्नीशियन कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, पढ़ाई से ताल्लुक तो है ना थोड़ा बहुत। कैसे जब आप पढ़ते हो, जब आप अच्छी एजुकेशन हासिल करते हो, आप इकोनॉमी पढ़ते हो, आप अपने मुल्क को देखते हो, दूसरे मुल्क के साथ जब कंपैरिजन करते हो, तो आपको हाउ नाउ का मालूम होता है, आपको सही और गलत का आप कंपैरिजन कर सकते हो। आप देखते हैं, मैंने आज जितने भी स्टूडेंट से बात की और जितने भी बुजुर्गों से बात की जिनकी तालीम इतनी अच्छी नहीं थी, उनके माइंडसेट और स्टूडेंट के माइंडसेट में कितना डिफरेंस है। तो पाकिस्तान को बदलना है तो तालीम देनी पड़ेगी हमें, छोटे लेवल को और बड़े लेवल को, फिर हम चेंज होंगे, फिर हम दुनिया के मुकाबले में खड़े होंगे, आईटी में इंडस्ट्री में दुनिया को बीट करते हुए नजर आएंगे। जब तक एजुकेशन नहीं, हमारी लिटरेसी रेट दुनिया में वर्स्ट तरीन लिटरेसी रेट्स में है, और अगर हमारे स्कूलिंग सिस्टम का आप निज़ाम देखेंगे तो दुनिया के वर्स्ट तरीन निज़ाम में से हमारा सिस्टम है। दुनिया पाकिस्तान को बदलना है तो सोच बदलनी पड़ेगी, सोच बदलनी है तो एजुकेशन देनी पड़ेगी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं। जी मैं ठीक। नाम आपका? मोमिन अहमद खान। खानो जबरदस्त हो गया, क्या करते हो? मैं सेमेस्टर फर्स्ट का स्टूडेंट हूँ जी सी यू से। ज़बरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस ये है कि मैंने आज एक वीडियो देखी है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मैंने देखा बसेस, इलेक्ट्रिक साइकिल्स उन्होंने पब्लिक के लिए बनाई है, आप जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाकर वो रख सकता है ऑटोमेटिकली, गवर्नमेंट ने वहाँ पर लगा के दी है इलेक्ट्रिक साइकिल्स। उसके बाद सिनेमा, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, MR कंपनी एक बहुत बड़ा मॉल बना रही है जो एशिया का सबसे बड़ा मॉल होगा। क्या कहना चाहोगे कि वहाँ पर प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, कश्मीरियों को हमने क्या दिया अपने कश्मीर को? जी सबसे पहले तो मैं आपका ये सवाल अप्रिशिएट करना चाहूँगा, आपने एक बहुत बड़ा अच्छा सवाल रेज किया है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से है। सबसे पहले तो आपने बात की कि वहाँ पे पूरा उन्होंने रिफॉर्मेशन की है, पूरा वो इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ रहे हैं इंडिया, जम्मू कश्मीर में। हम कश्मीरियों को क्या देंगे, हम अपने पाकिस्तान में पर्टिकुलरली जो हमारे अपने एरियाज़ है उधर एज सच कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही डेवलपमेंट की, तो मैं कहता हूँ हमारे अपने जो शहरी है अपने, वो इन डेवलपमेंट से महरूम है। यही तो एक बहुत बड़ी वजह समझी जाती है पाकिस्तान के, जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है जिसमें टेररिज्म का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसमें डेवलपमेंट नहीं है। अगर इस तरह के डेवलपमेंट हो तो गवर्नमेंट जो मासेस है, जनरल मासेस, उनको इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस को ऑप्ट करने के उनको कोई मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही, जब आपके पास इस तरह के फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करे, तो यही फैसिलिटी, यही एक उनकी जो पॉलिसी मेकिंग है उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, जो क्योंकि वो उनकी पॉलिसी मेकिंग वो ह्यूमन डेवलपमेंट ला रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत प्यारी बात की, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर उधर की हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं तो धरने हो रहे हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं कि भाई आटा सस्ते करो, चीनी सस्ते करो। तो हम एक UN के अंदर
जब यूएन के अंदर ये बात रखी जाएगी, इंडिया कहेगा कि भाई मैंने कश्मीर को ये दिया, कश्मीर के अंदर ये डेवलपमेंट किया, और पाकिस्तान कहेगा कि अगर मैं इजाज़त देता हूँ, रेफरेंडम का इजाज़त देता हूँ कि अगर कश्मीरियों से आप लोग इलेक्शन करवा लो, तो क्या वो सारी डेवलपमेंट जो इंडिया कर रहा है वो छोड़कर हमारे पास यहाँ पर इन हालात के अंदर आएंगे? जी एग्जैक्टली, ये आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा वो कि आपकी वीक पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है कि आपने कितनी वीक पॉलिसी मेकिंग की है कश्मीर के हवाले से, आपने उनको उनके उनको कॉन्फिडेंस के लेने के हवाले से आपने क्या पॉलिसी मेकिंग की है। तो यही एक बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है पॉलिसी मेकिंग के हवाले से। बिल्कुल सही होगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि हम यहाँ पर कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 370 के आर्टिकल के बाद उन्होंने तो अपना ही अपने हिस्से में ऐड कर लिया, उन्होंने जैसे दूसरा हिंदुस्तान है वैसे ही कश्मीर को भी उन्होंने बना लिया। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर से हमने आर्टिकल 35 को हटा दिया, अब कोई भी जाकर वहाँ पर ज़मीनें खरीद सकता है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी ये किया हमने। तो जब उन्होंने 370 का आर्टिकल हटाया तो हम यहाँ पर पिटने लग पड़े, दुनिया हमारी बात सुन नहीं रही, हम फिर भी कश्मीर 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 कर रहे हैं। पहले इस मुल्क को ना देख लें, हम इनके हालात को ठीक ना कर लें, जो हमारे यहाँ पर सूबों के हालात चल रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि GDP जिस तरह से हमें डाउनफॉल पर जा रही है, हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल पर जा रही है, क्या हमारी ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या देखते कैसे देखते हो आप? हमारे हालात तो एज पर द करंट सर्कमस्टांसिस बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। जो आप जिस भी आप लेवल से देखो, हमारे अगर आप अप्रोच देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अगर आप देखो, बिल्कुल मैं कहूँगा बिल्कुल ज़ीरो है। अभी जैसे कि COP 27 रिसेंटली, अब COP 28 होने वाला है लेकिन रिसेंटली 27 हुआ, उसमें पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा एक चांस था रिपारेशन का, पर पाकिस्तान ने वो मिस कर दिया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एक कोटा दूसरे को उसको जेल में डाल दो, उसकी गवर्नमेंट आती है वो तीसरे को जेल में डालने की कोशिश करती है। आपको इंटरनेशनली आप रिपारेशन कर सकते थे कि आप जो डेट सर्विसिंग है वो आपकी फ्री कर दी जाए, माफ़ कर दी जाए, लेकिन आपने ये एक बहुत बड़ा मौका मिस कर दिया। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते जो COP 28 अब अपकमिंग वीक में होगा, इसमें कोई अच्छी पॉलिसी हुआ ना, ये 28 को हुआ, अभी 28 को आप देख रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह, नहीं 30 को हुआ, आज हुआ, किस तरह से नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया गया वहाँ पर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, उनको इतनी रिस्पेक्ट सऊदीया की तरफ से, इनके दुबई की तरफ से क्यों मिलती है भाई? अभी देखो इंडिया का उन्होंने मंदिर भी, हिंदुओं का मंदिर भी बना दिया दुबई के अंदर, उनको इतनी रिप्रेजेंटेटिव, इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ क्यों दे रही है दुनिया? एग्जैक्टली यही बात है, आपको जो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता था जो मिडिल ईस्ट जोन, आपके एक बहुत बड़े आप कहते थे मेरी बड़ा एक उस पर फ्रेंड जोन है पाकिस्तान का, और रिसेंटली आप उसमें आप बहुत बड़ी चेंजेस आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो इंडिया को एक बहुत बड़ा वो एज दे रहे हैं आपके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तानी जो डेलीगेशन जब भी जाती है उनको एज सच वार्म वेलकम रिसीव नहीं होता एज जैसे कंपेरेटिवली नरेंद्र मोदी को होता है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली डेवलप कर रहे हैं, वो इकोनॉमिकली बढ़ रहे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली आप एज अ गैरिजन स्टेट, एज अ सिक्योरिटी स्टेट, एज अ क्लाइंट स्टेट अपना इमेज प्रमोट कर रहे हैं। आपने कहा कि कॉप अभी 28 का समिट हुआ दुबई के अंदर, हम नहीं गए वहाँ पर, इससे पहले G20 के मीटिंग के अंदर भी हम नहीं जा सकते क्योंकि हम उस अहल भी नहीं है। दूसरे नंबर पर अगर आप देखोगे एक समिट इसके अलावा भी सऊदीया के अंदर हुई थी, उसके अंदर भी हमें नहीं बुलाया गया। बहुत सारी समिट्स ऐसी होती हैं, अभी फलस्तीन और उसका मसले, इसराइल के मसले के अंदर भी पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लिया सऊदीया ने, लेकिन हमें नहीं बुलाया वहाँ पर भी, हमें कोई समझते ही नहीं है। क्या समझते हो कि क्या इकोनॉमिकल पावर, इकोनॉमिकल कमज़ोर होने की वजह से हमारी ये सिचुएशंस है, या ज़्यादा मांगने की वजह से ये हालात हैं? सबसे पहले तो आपकी ये वीक इंटरनेशनल लॉबिंग की वजह से आपका ये मसाइल को सामना करना पड़ रहा है, आपकी कोई इंटरनेशनल लॉबी है ही नहीं। इंडिया एज कम्पेरेटिवली इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल लॉबी है, आप हमेशा इंडिया के सामने घुटने आपके ठीक जाते हैं इंटरनेशनली, आपके कोई अपना चाइना को वो कवर अप कर पाते हो, आप हमेशा एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में रहते हो कि आप वेदर आइदर यू हैव टू गो टू द वेस्टर्न साइड और चाइना, आप इस कन्फ्यूजन में आपने ये फैसले आज तक नहीं किए कि आपकी फॉरन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होगी कि नहीं होगी। जिस तरह से आप देखते हैं कि $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट किया, रिजर्व निकाला इस दफ़ा के जो अभी बजट जो पास करते हैं, 14.5 बिलियन डॉलर्स का कश्मीर के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए रिजर्व निकाला इंडिया ने, हमने क्या दिया, 1 बिलियन भी पूरा नहीं दिया। हम फिर बात करते हैं कि कश्मीर के बारे में, कैसे देखते हैं कि इन सारी सिचुएशन को कैसे ठीक कर सकते हैं? 71 में हमसे हमारा जो शारक, जिसे हम कहते थे कि बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, क्या इसी तरह हम इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं? अभी देखेंगे बलूचिस्तान के अंदर भी नारे लग रहे हैं, exactly. कैसे देखते हैं? एग्जैक्टली मैं आपको कहूँ, कश्मीर तो एक बहुत स्टिल इट्स डिस्प्यूटेड एरिया, मैं आपको कहूँगा आप अपने जो आपके स्टिल लोन आपके एरियाज़ है बलूचिस्तान पर्टिकुलरली द मोस्ट अफेक्टेड एरिया, इस पर आप जो कि आप इंफ्रास्ट्रक्चरली आप काम करें, आप पॉलिटिकली उधर काम करें, वो पॉलिटिकली सोशियो इकोनॉमिकली बिल्कुल आइसोलेटेड है, वो बिल्कुल एजुकेशनली आपसे कंपीट नहीं कर पा रहे,
तो अगर आप उन एलिमेंट्स को इग्नोर कर रहे हो, आप किसी और चीज़ पर फोकस कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत, इसके बहुत एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेज होंगे फ्यूचर में। कैसे देखते हो रिलेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, कश्मीर का मसला तो मुझे, आपको क्या लगता है कि सोल्व होगा या अनसोल्वेबल है? कश्मीर का मसला देखे जाता है, कश्मीर की बात है, इस कश्मीर का मसला आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपके, अगर आपकी इंटरनेशनली कोई बात अगर लोग माने, आपके कोई स्टांस हो, लोग आपको एक्सेप्ट करें कि पाकिस्तान एक स्टेट है, पाकिस्तान की बात कोई वैल्यू है, बिल्कुल सही, थोड़ा तब तब ये मसला हो सकता है सॉल्व। लेकिन जैसी सिचुएशन आजकल है, गवर्नमेंट पॉलिटिकली इनस्टेबल है, कॉन्स्टेंट पॉलिटिकल टर्मोइल है पाकिस्तान में, और बिल्कुल ही एक स्टेट ऑफ अनार्की की सूरतयाल क्रिएट की जा रही है, तो मुझे नहीं लगता इन सर्कमस्टांसिस में ये पॉसिबल है। बिल्कुल सही होगा। गैस आप देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट थे जिससे मेरी कन्वर्सेशन हो रही थी, एक एजुकेटेड, जब आप पढ़ लिख जाते हैं तो आपको पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की अगर कोई बात करें, हम कश्मीर की बात करें, अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें, अपने साइड को हम अगर बताएं कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन हो रही है, वहाँ पर जो उनके बेसिक राइट्स हैं वो भी कश्मीर को नहीं मिल रहे, तो यहाँ के लोग हमारे दुश्मन हो जाते हैं। तो जब एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एजुकेशन, एजुकेशन द की ऑफ सक्सेस, अगर जब तक हम अपने मुल्क को, अपने पाकिस्तानियों को एजुकेशन नहीं देंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं, अच्छा दूसरे मजहबों की राइट्स क्या हैं, तो इससे हम अभी तक आशना नहीं है। तो क्या कहेंगे, लास्ट में कोई मैसेज देंगे? लास्ट में मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को, पर्टिकुलरली सारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को, कि आप पढ़े और पढ़े, आप इस तरफ आए, आप इनलाइटनमेंट की तरफ आए, आप समझें, आप सिचुएशन प्रॉब्लम्स को एस्थेटिकली समझे, उनकी समझन को है।